हेलो दोस्तों, मैं मिशन रोजगार भाई शैलेंद्र सर। देखिए, हम तो 2009 से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ और मैं साइंस के लिए ही जाना जाता हूँ और साइंस और ट्रेड में पढ़ाता हूँ। तो 2007 से लेकर अभी तक का जो सफर रहा हमारा, अभी तक का जो सफर है, ना जाने कितने स्टूडेंट हमारे सफल हुए रेलवे में। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि हमारे भारत के हर एक रेलवे में, हर एक जोन में हमारे बच्चे भरे हुए हैं। तो मैं हाल फिलहाल में ही अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया मिशन रोजगार भाई शैलेंद्र सर के नाम से। इसके पहले मैं ऑफलाइन रेलवे पर कब्जा के नाम से मैं कोचिंग चलाता था। रेलवे पर कब्जा बहुत शौक से मैं नाम रखा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे में आपका स्थापित हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, या हमारा एनटीपीसी हो, ये सब में हमारे स्टूडेंट भरे हुए हैं। हर एक जगह हमारे स्टूडेंट भरे हुए हैं। और ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट आए हुए हैं और वो बड़ी उनकी लालसा थी, बहुत उनका हमारे प्रति प्यार था, उनके पिताजी का प्यार था। इनके पिताजी हमारे यहाँ भेजे थे कि सर, मैं आपका बहुत नाम सुना हूँ कि मैं अपने बच्चों को आपके पास भेजता हूँ पढ़ने के लिए, प्लीज़ आप इनको कुछ बना कर भेजिए, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। आज देखिए, हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि आज ये जॉब लेकर आए हुए हैं मेरे पास, हमसे मिलने के लिए, हमको मिठाई खिलाने के लिए। चलिए, धन्यवाद कि मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे तैयारी की है, किस ढंग से तैयारी की है, और बच्चों को, जो अभी बेरोजगार बच्चे हमारे पड़े हुए हैं, उनको ये किस तरह से प्रेरित करेंगे कि वो भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर वो भी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। तो देखिए, ये रहे हमारे सुमित जी। चलिए सुमित जी, एक बात बताइए कि आप कब आए थे पटना? हम पटना आए थे सर 2022 में, ठंड के टाइम पे, नवंबर। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पर कैसे आए? पटना आए तो हमको डायरेक्ट मेरे पापा बोले थे कि रेलवे पर कब्जा पे जाइए, शैलेंद्र सर से मिलिए, और हम डायरेक्ट और कहीं नहीं गए, सामान वाल लेके यहीं पे आ गए। तो हम सब मसाला सामान यहीं पे रखे। वो तो हम देखे कि आप डायरेक्ट वहीं से आ गए। आपके पिताजी से हमारी लगातार बातें होती थी कि सर, मेरे बच्चों को आप अपने बच्चे की तरह देखिएगा कि आराम से किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है, किस तरह से। यहाँ तक कि हम इस सुमित को हम रूम तक खोजवाने के लिए गए थे। ऐसा कोई शिक्षक आपको नहीं मिलेगा कि जो बाहर के स्टूडेंट को आकर जाकर लॉज, मानी डोर टू डोर जाकर रूम खोजवाना मैं शायद नहीं देखा हूं। और ये बात तो बाकी तो सुमित जी ही बताएंगे। और आपका सबसे पहली बात ये बताइए कि आपको क्या चीज में सिलेक्शन हुआ है? सर, मेरा सिलेक्शन दो जगह हुआ है। एक रेलवे में, इंडियन रेलवे के DRM ऑफिस हुआ है मुंबई में, RAC टेक्नीशियन के पोस्ट पे। और दूसरा मेरा हुआ है आगरा डिवीजन में, वो भी रेलवे का ही है, और वो हेल्थ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। चलिए, तो आप एक बात बताइए, आप जो अभी लड़के लोग मुसल्लापुर हाट आप जब आए होंगे, तो आपको कोचिंग देखकर आपका माइंड चकरा गया होगा, माइंड आपका एकदम डिस्टर्ब हो गया होगा, आप कहाँ जाएं, किस तरह से, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग इधर बहुत सारा है, जिधर जहाँ नजर घुमाइएगा वहाँ एक नया कोचिंग खुला हुआ दिखता है। लेकिन मेरे पापा पहले से बात कर चुके थे, पहले से ही बोले थे कि आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, जाइए पहले शैलेंद्र सर से मिलिए, वही मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो जैसे जैसे सर बताया, हमको मैथ्स कहाँ पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ पढ़ना है, साइंस कहाँ पढ़ना है, साइंस तो सर के पास ही पढ़ते थे हम, और टेस्ट लगातार मारने से फिर यही सर ही बताया, सर ही मार्गदर्शन के। एक बार बताइए हमको सुमित जी कि मैं साइंस और ट्रेड पढ़ाता हूँ जी, साइंस और ट्रेड में जो पढ़ाता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, एकदम सटीक चीज पढ़ाता हूँ? आप बच्चों को जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सटीक, सटीक इतना सटीक था कि मैं कह नहीं सकता कि जो मैंने टेस्ट मारा था उससे हूबहू क्वेश्चन मिला था। ये तो मतलब सब कोई कहता है कि ये सब बोलने की बातें हैं कि बहु क्वेश्चन मिला था वो, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन होगा पेपर जो मैं एक बार दिया था हेल्थ इंस्पेक्टर का, उसमें एक क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, दो तीन क्वेश्चन जो सर का मेरे पास जो सेट था वो भी मैंने पढ़ा था उसमें से। अच्छा, एक बार बताइए सुमित जी, आप जो अभी नए बच्चे हैं, जो अभी नए, अभी मान के चलिए उसको अभी हम लोग कहेंगे कि अभी टीन एज वाले बच्चे हैं, एकदम मैट्रिक पास किए, इंटर आपको मैट्रिक पास करने के बाद में डायरेक्ट वो ITI में एडमिशन लेकर, दो साल ITI बिताकर, और डायरेक्ट अभी लोको पायलट और टेक्नीशियन की भारत सरकार के माध्यम से जो वैकेंसी आई है, तो क्या वो जो बच्चे हैं वो अच्छी गाइडलाइंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आपके नजर में? बताइए ये हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत कम ऐसा हो रहा है कि बहुत कम बच्चे ही अच्छी गाइडलाइंस में जा पा रहे हैं, और वही लोग जॉब ले भी पाते हैं जो अच्छी गाइडलाइंस में जा पाते हैं। और ऐसे देखिएगा तो भीड़ तो बहुत है, लेकिन सभी कोई जॉब नहीं ले पाता। देखिए, मैं उन्हीं बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी समझ रहे हैं कि जो शिक्षक अभी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं,
वही अभी के डेट में शिक्षक है, बच्चों के मन में इस तरह की मनोवृत्ति आ गई है। तब हमको भी अंतोगत्वा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करना पड़ा और मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है मिशन रोजगार बाई सैलेंदर सर। मैं बहुत ही सोच समझकर मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया हूँ मिशन रोजगार बाई सैलेंदर सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी भी बेरोजगार पड़े हुए हैं और अभी भी उनको उस तरह का गाइडलाइंस नहीं मिल पा रहा है जिसके माध्यम से रोजगार के एक सीढ़ियों को पकड़ा जाए, एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़कर और वो रोजगार ले सके। इसलिए मैं साइंस और ट्रेड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिशन रोजगार भाई सिलेंदर सर के यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं एकदम जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुमित जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि आप हमारे रेलवे पर कब्जा कहिए ऑफलाइन में, अच्छा है मिशन रोजगार ऑनलाइन के लिए कहिए, आप इसके बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जब मिठाई लाए हैं तो मिठाई खिला ही दीजिए आप, बस हाँ जब लाए हैं मिठाई तो आप मिठाई खिला ही दीजिए, लगता है कि आप दो तीन टाइप का मिठाई ला दिए हैं, कितना प्यार है हमको आप मुझे। लीजिए आप भी पहले खा लीजिए हमारे हाथों से, आप खा लीजिए कोई ठीक है, फिर कब खाइएगा कब नहीं खाइएगा। तो धन्यवाद सभी को। देखिए ये है सुमित जी, आपका घर कहाँ हुआ सुमित जी? मेरा घर सर गोरखपुर यूपी में। इनका घर गोरखपुर यूपी में है और देखिए गोरखपुर से आकर यहाँ से नौकरी लेकर जा रहे हैं, कितनी गर्व की बात है पटना की धरती के लिए और खास तौर पर इनके लिए कि वो ईमानदारी से मेहनत किए और मेहनत कर कर आज देखिए उस मुकाम को हासिल कर लिए हैं। चलिए मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोग भी इसी तरह का प्रिपरेशन कीजिए, तन मन धन से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप भी सफल हो जाए, आपकी भी तकदीर बदल जाए, आपके परिवार की जिंदगी बदल जाए, सुधर जाए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।